नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके में हरियाणा साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें HSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में जल्दी ही जो अक्टूबर अगस्त में जो CET एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें हरियाणा जीके से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी ये महत्वपूर्ण हैं, और पहले जो एग्ज़ाम हुए में भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी इसके आने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो से भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ जो महत्वपूर्ण जो है 80 क्वेश्चनों को करेंगे, 80 प्लस क्वेश्चनों करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ये हरियाणा की जोहराबाई, इन्होंने किस विद्या में ये ख्याति प्राप्त की थी? तो हरियाणा की जोहराबाई ने ख्याल, गज़ल, ठुमरिया, तराना के लिए। तो हरियाणा की जो जोहराबाई है, इन्हें जाना जाता है गज़ल के लिए। नेक्स्ट है धनवाद्य के अंतर्गत आता है, ये जो ये वाद्य यंत्र जो है, ये धनवाद्य यंत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? झांझ मंजीरा, इकतारा, सारंगी, बांसुरी, सेना, या ढोलक, या फिर मृदंग के अंतर्गत। और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रहेगा। तो धनवाद्य यंत्र जो है, ये सांझ और मंजीरा जो है, इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं, लोक कथाएँ वगैरह, नृत्य, इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, लगभग प्रत्येक में अलग अलग इनके क्वेश्चन कराए गए हैं, और प्रत्येक में जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, और उनमें से भी बहुत बार HSC के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वह सभी आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारे पहले वाले जो वीडियो उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है डफनृत्य, तो इसको कब पहली बार गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रदर्शित किया गया था? 1969, 72, 74 या 76 में। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वर्ष 1969 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है, या फिर कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है? तो यह जो नृत्य है इसका नाम खोड़िया नृत्य है। नेक्स्ट है किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो ये कौन सा नृत्य है जिसमें भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं, और इसका जो नाम है ये गोगा नृत्य है। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सा केवल इनमें ऐसा नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और उस नृत्य का नाम है तीज। नेक्स्ट है पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना ये इनमें से किसने की थी? तो ये सांग है, और इनके लिए जाना जाता है पंडित शंकरलाल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये एग्जाम में अगर जन्म आ जाए तो सोनीपत से इनका संबंध है, और इनका क्षेत्र, तो इनको सांग परंपरा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी ये किस वर्ष में प्रदर्शित हुई थी? 1970, 75, 84, 85 या 60 में। और यहाँ पर एक ऑप्शन है वर्ष 1970 में। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन संगीतकार इनमें से कौन थे? कल्लन खां, हाफिज खां, सूरदास या लक्ष्मीचंद। तो मध्यकालीन यहाँ पर यह पूछा गया है, और मध्यकाल जो है इसके लिए जाना जाता है हाफिज खां को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का, और मिलान करने में जो हमारे यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को 4-3-2-1, या फिर 1-2-3 और 4। तो इनको आप देख लेते हैं, हुदू खां, तो अचपल जो है इसका संबंध है दिल्ली दरबार से।
उसके बाद आ जाता है हो दुखा। तो इनका संबंध आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्वालियर घराने से। कल्लन खां इनका संबंध गुड़ियानी से, और जोहराबाई जो है इनका संबंध यहाँ पर अम्बाला से है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जाए भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम सूफी संत इनमें से कौन थे? तो हरियाणा के प्रसिद्ध सूफी संत और इनका नाम था शेख मोहम्मद तुरुक। नेक्स्ट है जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार। तो जैन काव्य धारा में श्रीधर जैतराम नित्यानंद या बंसीलाल, और इनके लिए जाना जाता है श्रीधर को। नेक्स्ट है सतगुरु भेद, ये इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है? संत हरदेवदास, गुलाब सिंह, हरिदयराम या तारचंद के द्वारा। तो सतगुरु भेद जो है इसके रचित हैं संत तारचंद। नेक्स्ट है हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु तो कितने साहित्य अकादमी विकसित की गई है? तो साहित्य के विकास के लिए 2, 3, 4 या फिर 5, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हादी हरियाणा के नाम से इनमें से किन्हें जान जाता है? शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद या हजरत खैरू को। तो हादी है हरियाणा और इसके लिए जान जाता है शेख फरीद को। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है ये इनमें से कौन है? 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, और इनके लिए जान जाता है महर्षि पाणिनि को। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये भी नाटिका है रत्नावली। तो इसके रचनाकार और यहाँ पर एक ऑप्शन सी हर्षवर्धन, जो थानेसर के राजा थे, राजा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है अमरसेन चरित्र खंड काव्य किन के द्वारा लिखा गया है? इसदास, बाणभट्ट, हरिद्वारी लाल या माणिक्य राज के द्वारा। तो अमरसेन चरित्र जो है इनके लिए जान जाता है माणिक्य राज को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अधखिला फूल, ये इनमें से किन की प्रसिद्ध रचना है? माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर फेरू या नेमीचंद्र की। अधखिला फूल जो है इसके लिए जाना जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, रूपचंद शतक के लेखक इनमें से कौन है? और रूपचंद शतक इसके लिए जाने जाते हैं रूपचंद पांडे। तो ये इनके रचयिता हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? सतसई, अर्धकथानक, सुंदर विलास या सुंदर श्रृंगार। तो बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना और इनकी है अर्ध कथानक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास ये किस जिले से संबंध रखते थे? तो ये जैन साहित्यकार हैं भगवती दास, और इनका संबंध आपने बताना है। तो इनका संबंध जो है यहाँ पर ये अम्बाला से रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, संतोष जयतिलक ये इनमें से रचना किन की है? पुष्पदंत, बूचराज, भगवती दास या श्रीधर की। तो संतोष जयतिलक जो रचना है ये रहेगा ऑप्शन बी भोजराज की। नेक्स्ट हमारे पर क्वेश्चन है, चित्रबोधनी नामक टीका ये इनमें से लिखी गई है? पंडित हरिपुष्प के द्वारा, सत्यदेव वशिष्ठ, छज्जूराम शास्त्री या सूरदास के द्वारा। तो चित्रबोधनी जो है इसके लिए जाने जाते हैं पंडित हरिपुष्प, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, विवाह पद्धति पुस्तक इसके रचयिता इनमें से कौन है? पंडित विद्याधर शास्त्री, जयराम शास्त्री, पंडित माधवाचार्य या सीताराम शास्त्री। तो विवाह पद्धति जो पुस्तक है इसके लिए जान जाते हैं पंडित विद्याधर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, विष्णु सहस्र नाम ये इनमें से किन की कृति है? भगवान देव, सत्यदेव वशिष्ठ, महाकवि मयूर या जयराम शास्त्री की। तो विष्णु सहस्र नाम जो कृति है इसके रचयिता है सत्यदेव वशिष्ठ।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार किसे माना गया है? चौरंगी नाथ, सूरदास, श्रीधर या पुष्पदंत को? तो हरियाणा में हिंदी के प्रथम साहित्यकार और इसके लिए जाने जाते हैं चौरंगी नाथ। नेक्स्ट रहेगा युक्ति प्रकाश, इनमें से रचना किन की है? संत नित्यानंद की, निश्चलदास, दयालदास या लालदास की? तो युक्ति प्रकाश जो रचना है इसके रचयिता है संत निश्चलदास। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार, संत गरीबदास, वीरभान, लालदास या संत आत्मनाम? तो इसके लिए जान जाते हैं ऑप्शन ए, कबीरदास। नेक्स्ट है, टूटते बंधन के जो उपन्यासकार है ये इनमें से कौन है? हेमराज, निर्मम, कृष्ण बाछल, मोहन चोपड़ा या डॉक्टर शशि भूषण सिंघल? तो टूटते बंधन के लिए जान जाता है ऑप्शन ए, हेमराज निर्मम को। अगला क्वेश्चन है, मेहंदी रचे हाथ तो उपन्यासकार के लेखक इनमें से कौन है? तो ये क्या है, एक उपन्यास है मेहंदी रचे हाथ, और इसके लेखक और इनके जो लेखक हैं इनका नाम है रमेश चंद्र जैन। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सोए अपने अपने साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम इनमें से क्या है? मधुकांत, अभिमन्यु अनंत, अमृतलाल मदान या राजकुमार निजात? तो ये उपन्यास है और इसके जो लेखक है इसके लिए जान जाता है राजकुमार निजात को। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार और यहाँ पर एक ऑप्शन बी हमारा, मोहन चोपड़ा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है? और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये कौन सा संप्रदाय है जिसको स्वर्ण काल माना जाता है? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? और यहाँ पर ऑप्शन है हमारा डी, 18वीं। तो 18वीं सदी को जो हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना गया है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की जो संख्या है ये कितनी है? दो, तीन, चार या आठ? और यहाँ पर मानी गई है चार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, राममाला तथा दाहिने हाथ के शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियाँ ये किस साहित्यकार की हैं? संत हरिदास, सैयद गुलाम हुसैन शाह, अली बख्श या सादुल्ला की? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, सैयद गुलाम हुसैन शाह। नेक्स्ट है, महाभारत व कृष्ण लीला नामक सांग के रचनाकार इनमें से कौन है? मिश्र, गोवर्धन, सारस्वत, लक्ष्मीचंद, दयालदास या हरिदास? और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, मिश्र, गोवर्धन, सारस्वत। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने नाथ संप्रदाय से संबंधित कितने ग्रंथ प्राप्त हुए हैं? दो, पाँच, चार या दस? और यहाँ से प्राप्त हुए हैं ऑप्शन बी, पाँच। नेक्स्ट है, हरियाणा के नाथ सिद्ध साहित्य में कौन से साहित्यकार सम्मिलित हैं? सिद्ध, चौरंगीनाथ, योगराज, पूर्णनाथ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई से भी नहीं? और यहाँ पर माने गए हैं इन दोनों को, चौरंगीनाथ और योगराज पूर्णनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इनसे संबंधित नहीं है हठयोग, प्रदीपिका, सिद्धांत संग्रह, अमरोध शासनम या चित्तरबोधनी? और यहाँ पर माना गया है ये चित्तरबोधनी को, तो ये इनमें से एक अलग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा साहित्यकार हरियाणा के जैन साहित्य रचना से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर भी एक अलग है, सूरदास, मालवदास, जयराम शास्त्री या जगत राय? तो जैन साहित्य रचनाकार से एक संबंधित नहीं है और यह है जयराम शास्त्री। नेक्स्ट है हमारा, ठेठ हिंदी में वाणिया ये किन के द्वारा लिखी गई है?
चौरंगीनाथ, मस्तनाथ, सूरदास या हर्षवर्धन के द्वारा, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है हमारा मस्तनाथ के द्वारा। नेक्स्ट इनमें से कौन से राज्य के आधुनिक साहित्यकारों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर भी एक अलग है। तो आधुनिक साहित्यकारों में इनमें से एक नहीं है गोरखनाथ, लक्ष्मीचंद, दीपचंद या अहमद बख्श थानेश्री, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए गोरखनाथ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, समुद्र का संसार, ये इनमें से किन की रचना है, निश्चल दास, अशोक भाटिया, रामकुमार अत्रे या बूचराज, और यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा अशोक भाटिया की। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, चौरंगी नाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, नागानंद, त्रिलोक दर्पण, वायु त्रिभुवन उपदेश या स्वदेश दर्शन। तो चौरंगी नाथ की जो प्रसिद्ध रचना, और यह है वायु त्रिभुवन उपदेश। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राज्य में उर्दू साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी, बाल मुकुंद, गुप्त सम्मान, सूरदास सम्मान, उर्दू साहित्य, या इनमें से कोई सभी नहीं, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी उर्दू साहित्य सम्मान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए सम्मान राशि कितनी निर्धारित की गई है, 1 लाख रुपये, 50 हज़ार, 20 या 10 हज़ार रुपये। तो श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए सम्मान राशि, और ये है 20 हज़ार रुपये। नेक्स्ट है, जवाहर बसंत निम्न के द्वारा रचित है, सीताराम शास्त्री, पंडित जयराम शास्त्री, छज्जूराम या इनमें से कोई से भी नहीं, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी पंडित जयराम शास्त्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाए जाते हैं, मंजीरा, धमाल, तीज या झूमर नृत्य में। तो थाली और ढोलक जो है ये बजाए जाते हैं झूमर नृत्य में। नेक्स्ट है, चतुर बंजारा नामक जो रचना है इसका संबंध इनमें से किससे है, संस्कृत साहित्य से, हिंदी, नाथ या जैन साहित्य से। तो चतुर बंजारा और यह जैन साहित्य। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन जो है यहाँ पर इसमें माना गया ऑप्शन डी को, कि उत्तर वैदिक काल में चित्रकला में गिरावट के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की जोराबाई ने किस विधा में विद्या में ख्याति प्राप्त की थी, किसके लिए इन्हें जान जाता है, ख्याल, गजल, ठुमरी या तराना के लिए, और इन्हें जान जाता है गजल के लिए। नेक्स्ट है, मयूराष्टक व सूर्य शतक, इनके रचनाकार जो है इनमें से कौन है, महर्षि वेदव्यास, स्वामी हरिदास, कवि मयूर या सत्यमेव वशिष्ठ, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, ये जो म्यूर कवि जो है इनके द्वारा मयूराष्टक व मयूर शतक ये लिखा गया था, जब इनको जो कुष्ठ हो गया था तब इन्होंने सूर्य देव से जो है प्रार्थना की थी, तब उसके कारण जो है यहाँ पर ये इनका रोग दूर हुआ था, तो सूर्य शतक इन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट है, रूपचंद्र पांडेय जैन साहित्य की जो रचना है कौन सी है, मंगल गीत, गीत परमार्थी, परमार्थी शतक या ये सभी, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा, मंगल गीत प्रबंध, गीत परमार्थी और परमार्थी शतक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, गांव की ओर उपन्यास के जो उपन्यासकार है इनमें से किन्हें माना गया है, मधुकांत, कृष्ण मधोस, उर्मी कृष्ण या मोहन चोपड़ा को। तो गांव की ओर ये एक उपन्यास है और इसके जो उपन्यासकार हैं इनका नाम है मधुकांत। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपने मिलान करना है, और मिलान करने में जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, 3, 1 और 2। तो धार्मिक गीत जो है ये हैं माघ गीत, श्रावण गीत हैं जो तीज के अवसर पर गाए जाते हैं, और जन्म गीत ये आपके आशीष।
नेक्स्ट आएगा उपन्यासकार हेमराज निर्गम का उपन्यास इनमें से कौन सा है, तराशे हुए पत्थर, मुझे भूल जाना, सीप का मोती या ये सभी। तो हेमराज निर्गम और इनका उपन्यास है ये सभी, तराशे हुए पत्थर, मुझे भूल जाना और सीप का मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा सफर उपन्यास के जो उपन्यासकार है ये इनमें से किन्हें माना गया है, हेमराज निर्गम, अमृतलाल, कृष्ण मदहोश या रामचंद्र जानकू। और यहाँ पर है ऑप्शन सी कृष्ण मदहोश। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये भी मिलान करने का है, और मिलान करने में रहेगा ऑप्शन बी 3-1 और 2। तो पंडित जसराज का जो संबंध है यहाँ पर ये माना गया है हिसार से, जोहराबाई का संबंध अम्बाला से है, और कल्लन खां का संबंध रेवाड़ी से है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी का जो प्रथम जो पुरस्कार है ये दिया गया था 1991, 99, 2011 या 15 में। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो प्रथम पुरस्कार है ये दिया गया था वर्ष 1991 में। नेक्स्ट गाच पर संगीत की किस विधा से संबंधित थी, ख्याल, तराना, सरगम या इन सभी से। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, ये ख्याल, सरगम और तराना से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तनस खां ये इनमें से किन के शिष्य थे, अचबल जोहराबाई, पंडित जसराज या इनायत हुसैन। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए अचबल के। नेक्स्ट है लाल पसीना ये एक उपन्यास है, और इसके उपन्यासकार इनमें से कौन है, अमृतलाल मदान, रमेश चंद्र जैन, अभिमन्यु अनंत या जोहराबाई। तो लाल पसीना उपन्यास और इसके जो उपन्यासकार हैं इनका नाम है अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मिलान करने का, और इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो सी यहाँ पर है और इसे आप मिला करके देख लेते हैं। तो मंजीरा नृत्य, मैं से मंजीरा, मैं से मेवात, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, मैं से मंजीरा, मैं से मेवात। उसके बाद है लोर नृत्य, लोर नृत्य किया जाता है आपका बंगर क्षेत्र में। घनघोर नृत्य और ये किया जाता है हिसार में, और रास नृत्य बल्लभगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा पलवल होडल बल्लभगढ़ जिले से संबंधित नृत्य कौन से हैं, रसिया, रतवई, गुगा या सांग नृत्य है, और इनसे जो संबंधित है ये रसिया नृत्य है। नेक्स्ट है जींद, नरवाना, कैथल, नारनौल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित जो नृत्य है इनमें से कौन सा माना गया है, गणगौर, खेड़ा, रतवई या गुगा नृत्य, और इन क्षेत्रों में किया जाता है ये खेड़ा नृत्य है। नेक्स्ट है अल्हड़ बीकानेरी सम्मान से सम्मानित होने वाले साहित्यकार इनमें से कौन है, मधुकांत, ओम प्रकाश आदित्य, कृष्ण मदहोश या डॉक्टर शीश भूषण। और अल्हड़ बीकानेरी सम्मान इससे सम्मानित किए जा चुके हैं ओम प्रकाश आदित्य। नेक्स्ट है कहाँ के मूर्तिकार कलाकार प्रकृतिवाद पर जोर देते हैं, तो ये कलाकार कहाँ के हैं, यूनानी, यूरोपीय, भारतीय या ये सभी। और यहाँ पर है ऑप्शन सी भारतीय। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है साहित्यकार सम्मान वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया जाता है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साहित्यकार सम्मान वर्ष के रूप में जाना जाता है 2009, 10, 11 या 12 को, और इसके लिए जाना गया है वर्ष 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थाल के आकार का और खाल से मंडा हुआ वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा है, ढोल, नगाड़ा, डफ या ताशा, और इसका नाम है डफ। नेक्स्ट है लकड़ी या मिट्टी का बना प्रांत के आकार का एक ओर से मंडा हुआ वाद्य यंत्र, तो लकड़ी या मिट्टी का बना और प्रांत के आकार का, झील, ताशा, डोरू, डोरू, यह है यहाँ पर डोरू।
या खंजरी, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है तासा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कथनाभिकथन वाला। तो यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सही है ये आपने बताना है। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी ए, एक और तीन। तो एक और तीन जो यहाँ पर ये सही है। शिक्षा संप्राप्ति के बाद वल्लभाचार्य ने सूरदास को मथुरा के श्रीनाथ मंदिर का प्रधान कीर्तनकार बनाया था और वो दुखा ग्वालियर घराने के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। रतवाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य ये जो खेड़ा नृत्य है ये दुख में किया जाता है। साग नृत्य श्रृंगार प्रधान है और घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है। तो एक कथन गलत है यहाँ पर और गलत जाइए ऑप्शन सी को माना गया है, सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन और निकल के आ जाते हैं कि रतवाई नृत्य का संबंध मेवाती क्षेत्र से है, वहाँ पर किया जाता है। केर नृत्य दुख में होता है और घोड़ी नृत्य शादी के अवसर पर किया जाता है। एक जहाँ घोड़े के आकार का पुतला होता है जिसके अंदर व्यक्ति बढ़कर जो है नृत्य करता है। नेक्स्ट है नुहू तथा फिरोजपुर झील का क्षेत्र में किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, रतवाई, लोर, गुगा या डफ नृत्य। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, रतवाई नृत्य है। नेक्स्ट है पहली हरियाणवी फिल्म इनमें से कौन सी है, जुलानी, बहुरानी, बीरबारा या चंद्रावल। और यहाँ पर माना गया है ये जुलानी को। नेक्स्ट है हमारा कल्लन खां ये किसके शिष्य थे, हाफिज खां, राव होदू खां या इनायत खां हुसैन के। और ये थे होदू खां के। नेक्स्ट है हमारा हाफिज खां द्वितीय किसके शिष्य थे, होदू खां, हाफिज खां, पंडित जसराज या इनायत खां के। और ये थे इनायत खां के। नेक्स्ट है कौन सा कलाकार दिल्ली घराने से संबंध रखता था, इनायत हुसैन, उमराव खां, हाफिज खां या कल्लन खां। तो दिल्ली घराने से जो यहाँ पर संबंधित था इनका नाम था उमराव खां। नेक्स्ट है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जगाधरी, कुरुक्षेत्र, पानीपत या रोहतक में। तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ये पानीपत में है। नेक्स्ट है हरियाणा की अब तक की सबसे लोकप्रिय फिल्म इनमें से किन्हें माना गया है, और यह माना गया है चंद्रावल को। रोंडा खोंडा वाला जो सीन आपको याद होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली फिल्म जुलानी ये कब प्रदर्शित हुई थी, 1970, 74 या 83 में। तो जुलानी जो है इसका संबंध माना गया है वर्ष 1980 से। नेक्स्ट है डमरू का एक बड़ा रूप होता है तो वो इनमें से क्या है, डोरू, यहाँ पर ये डोरू है, झील, घड़ा या खंजरी। तो डमरू का ही बड़ा रूप और ये होता है डोरू। डमरू छोटा होता है, डोरू से बड़ा होता है। गुगा नवमी जो है उसके अवसर पर ये जा किया जाता है जब रात के समय में। नेक्स्ट है हमारा इनमें से मुंह से फूंक मार कर बजाए जाने वाले एक वाद्य यंत्र नहीं है। तो बांसुरी भी आपको पता है, शहनाई भी पता है, अब बीन और डोरू। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रह जाता है, डोरू, जैसे डमरू होता है हाथ से बजाया जाने वाला, ऐसे डोरू और बीन ये सभी मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।